जनशक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कराने के लिए और उनकी रक्षा सुरक्षा में बेहतर सुधार लाने के लिए अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग और समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चियों को सुरक्षा के हुनर बताए जा रहे हैं। अमेठी जनपद के विद्यालयों में यह कार्य किया जा रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा के तरीके संस्था और बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से कराए जा रहे हैं। बालिकाओं को जूडो कराटे के साथ टाइकांडो और आत्मरक्षा के अलग अलग तरीके समझाए जा रहे हैं। बात अगर अमेठी की करें तो अमेठी जनपद में 1570 विद्यालय हैं। इनमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जूडो कराटे के साथ टाइकांडो और अन्य सुरक्षात्मक उपाय बालिकाओं को बताए जा रहे हैं। वहीं बालिकाएं सुरक्षा का हुनर सीखकर मजबूत बन रही हैं। आपको बता दें कि अमेठी जनपद के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं को सुरक्षा के हुनर बताए जा रहे हैं और सुरक्षा के हुनर बताने के साथ साथ बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। समय समय पर जागरूकता गोष्ठी का भी आयोजन बालिकाओं के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मिशन शक्ति अभियान और अन्य अभियान में भी बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त पहल से बालिकाओं को आत्मरक्षा के तरीके बताए जा रहे हैं और बालिकाएं इन तरीकों को सीखकर आगे बढ़ रही हैं। वहीं सुरक्षा के हुनर सीखने वाली बालिकाओं का कहना है कि इससे उन्हें काफी फायदे हैं। वे सुरक्षा व्यवस्था खुद ही मजबूत कर सकती हैं। उन्हें किसी के आगे परेशान होने की जरूरत नहीं। यदि उन्हें कोई परेशान करता है तो सीधे अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं। हमने बात की बालिकाओं से, आइए जानते हैं कि बालिकाएं क्या कुछ कहती हैं सुरक्षा के तरीके को सीखने के उद्देश्य से उन्हें कितना फायदा होता है और बालिकाएं न्यूज 18 लोकल से बातचीत में क्या कुछ कहती हैं। हमने बातचीत की बालिकाओं से तो बालिकाओं ने इस अभियान को सफल बताया और कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है। वहीं बच्चों को सिखाने वाली अध्यापिका ने भी जानकारी दी। यादव, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं पचेरी स्कूल में पढ़ती, मैं उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ती हूँ। ये जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, इससे कितना फायदा होता है आप लोगों को? बहुत सारा। हम लड़कियों को इससे आत्मविश्वास रहता है। हमारे टीचर हमें सिखाते भी हैं कि कैसे बचाव कर सकते हैं और इन लोगों को भी रहना चाहिए कि हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो सिखाया जा रहा है, इससे कोई फायदा है आपको? हाँ, हम अपनी सुरक्षा भी इस तरह कर सकते हैं। किसी की जरूरत नहीं है हमारी सुरक्षा। क्या क्या सिखाया जाता है इसमें आप लोगों को? हमको जो कराठा सिखाया जाता है, लाठियां मारना सिखाई जाती है। फायदा होता है इससे आपको? यस। उच्च प्राथमिक विद्यालय पचेरी, मेरा नाम ममता है, मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ। जो जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं आपको, इससे कितने फायदे हैं आपको? बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या सीख रही हैं उसमें आप? बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं जो हमारे लिए। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। बच्चे अपनी अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेते हैं और स्किल का प्रयोग करते हुए वो किसी से डरते नहीं है। फ्री होके कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्या क्या चीजें इस पूरे कार्यक्रम में इनको सिखाई जाती है? इसमें जूडो होता है, कराटे होते हैं और लाठियों का प्रयोग किया जाता है। कभी भी अकेले भी पड़ जाए तो कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अच्छी पहल है सरकार की। जी सर। ठीक मैम, थैंक यू।